भूमि तब से सूरत की पावन
जी साहब जी ने कहा जो कोई लूला मांगला साथ इंद्रावती ना छोड़े किन को पहुंचावे पकड़ ले हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन समय गोवर्धन आया अवस्थी बंदर से सो भी आय के इत रया भेला साथ मिले। परम श्रद्धेय परम पूजनीय बेबी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस मंदिर की सेवा कर रही दोनों बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आत्म संबंधी श्री रणजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में साक्षात रूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी शिवजी साहिब जी बाईजूराज महाराणी साहिबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साहिब जी, कल के रोज हम सुन रहे थे कि हमारे प्राणनाथ धनी, हमारे धाम के धनी पर हमें कितना नाज है, क्योंकि हमारे प्राणों के नाथ धाम धनी ने सुंदर साथ से कितना प्यार किया, हर चौपाई को सार्थक किया। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने खिलवत ग्रंथ के अंदर फरमाया, मैं रह न सकू रूह बिन, रूहे रह न सके मुझ बिन, जब पहचान हो गए वाको तब सहे न मिछोवा खिन। श्री जी साहेब जी ने कहा कि जो मैं वाणी में करूं कहूं और मैं सुंदर साथ को करके ना दिखाऊं तो सुंदर साथ को वाणी पर विश्वास कैसे होगा। हर चौपाई को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके हम सुंदर साथ को लीला करके दिखाते चले जा रहे हैं। मैं रह न सकूं रूहों भी हक की सूरत है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी पांचों शक्तियां विराजमान है आपके हृदय के अंदर। और ऐसे श्री जी साहेब जी ने कहा कि दुख न देऊं फूल पाखड़ी, सुखे जगाऊं साथ। जिन्होंने कहा कि सब साथ करूं मैं आप साथ, तो मैं जागी परमान, सारे सुंदर साथ को मैं जागृत करके अपने जैसा बना दूं है। सुख देऊं मूल वतन के, रच के कोई भलो रंग, मैं परम धाम के सुख देने के लिए आई हूं। इस संसार के अंदर हम आए ऐसे काम, ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम, मैं परम धाम की आत्माओं को लेने के लिए आया हूं। और ऐसे धनी ने जब देखा कि गुरु पुत्र बिहारी जी ने भारा भाई को निकाल दिया, राम जी भाई को मथाई नहीं टेकने दिया, तीन दिन तक उपवास करते रहे, भूखे प्यासे वापस लौटे हैं। और इधर रूपा भाई को श्री जी साहेब जी ने देखा कि कितनी सेवा की मूर्त है और उसको भी गुरु पुत्र बिहारी जी ने निकाल दिया। लेकिन अब श्री जी साहेब जी के अंदर भी थोड़ा संशय होने लग गया था कि अगर मेरे धाम के धनी सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज इनके हृदय में होते तो वो ऐसा कभी ना करते, वो तो सुंदर साथ के लिए तरसते थे कि कब कोई धाम की आत्म निजानंद संप्रदाय के अंदर आए, उनकी तो आत्मा तड़पती थी। पर आज श्री जी साहेब जी श्री पांच महामंगलपुरी धाम जो योग माया का ब्रह्मांड है, काल माया ब्रह्मांड, फिर योग माया का ब्रह्मांड, फिर प्रतिबिंब काल माया ब्रह्मांड, जो पांच नौतनपुरी धाम, फिर प्रतिबिंब योग माया का ब्रह्मांड, जहाँ पे पांचवे दिन की लीला श्री राजी महाराज प्रत्यक्ष रूप में करने के लिए जा रहे हैं, और जहाँ पे अक्षरातीत धाम के धनी कैसे बैठक लगाते हैं, पहले हम थोड़ी सी ये चर्चा सुन ले कि किस प्रकार श्री जी साहेब जी के पास सुंदर साथ आ रहे हैं। क्योंकि सूरत के अंदर गोवर्धन भाई आए हैं और गोवर्धन भाई बहुत धनवान थे, बहुत पैसे वाले, उन्होंने आके श्री जी साहेब जी की सुंदर साथ जो है उनकी सेवा का खर्च आपने उठाया। कहते तिल सेवा शिव जी की, सिर लई अपने जान, सब खर्चने लगा साथ में सुफल जन्म करने, इसलिए कि मेरा जन्म सफल हो जाए। तन मन धन से कुर्बान हो रहा है, शोरपना शहर में चर्चा को आवे खलक, लेते बेशक आमी सब कर दीदार हो गए बेशक। शोर पड़ा शहर में, कौन से शहर में शोर पड़ गया, आप एक मिनट आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये जो सुंदर साथ है बिल्कुल नर्सरी क्लास वाले हैं,
इनका ध्यान उधर चला जाता है जिधर जरा सा कोई कुछ कर रहा हो, छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, वो उनको बैठाएंगे अपने, वो खुद आगे बैठेंगे, वो भी अभी चर्चा कर रहे हैं, वो साक्षात बैठेंगे। क्या चौपाई बोल रहे थे, कोई एक जना बताए क्या चौपाई बोल रही अभी? चोर पड़ा और शोर पड़ा शहर में, फिर क्या क्या हुआ उसके बाद? हैं कौन से शहर में? वो तो आपको पता ही है, ऐसे थोड़ी की बिल्कुल ऐसे थोड़ी हो, सामने आए बैठे हैं सूरत वाले, गलपुरी वाले, प्रत्यक्ष विराजमान है और पौधे की तरह बड़े बढ़ के बैठे हो कि आज मंगलपुरी धाम की लीला है। ये तो आप कह रहे नींद में चले जाओ तो भी जाके कह दोगे आज सूरत में चल रहा है प्रसंग। बोलिए श्री कहते शोर पड़ा शहर में, आप चौपाइयां ध्यान से सुनना, चर्चा तो चाहे ना सुनी लेकिन चौपाई जरूर सुनेंगे कि क्या बोला, क्योंकि चौपाइयों से हमारी जागरी होती है। ये चौपाइयां तारकों का दिव्य प्रकाश, इनके अंदर इतनी लाइटें इतना प्रकाश भरा हुआ है, सारी शक्ति इन चौपाइयों में भरी हुई है। मैं कभी कभी सोचती हूँ ऐसे सुना दूं फिर मेरा मन ही नहीं भरता, मैं सोचती हूँ नहीं चौपाइयां कितनी मीठी है ना, चौपाई बोल के और रस से भर जाता है प्रसंग, मुझे सुंदर सकते हैं आप ऐसे सुना दिया करो। पर मैं जब देखती हूँ ना चौपाइयों को तो मेरे को लगता है ये चौपाई बड़ी अच्छी है, इसको तो पढ़ना ही चाहिए, फिर एक से बढ़कर एक चौपाई है ना। तो कहते शोर पड़ा शहर में, चर्चा को आगे खलक, सारे सूरत के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, क्योंकि शोर क्यों मच गया पता, कोई बताएगा क्यों शोर मच गया? कोई बता दे ये बात कि इतना सारा शोर कैसे मचा? हाँ जी शशि भाभी जी, उसका कोई कारण छोटा सा बता दो। शास्त्रार्थ हुए और 5000 लोग बैठे थे उसमें, और महामती प्राणनाथ जी की जय जयकार सभी लोगों में हुई। अब वो हल्ला मचेगा कि नहीं? अब बड़े बड़े जो नहीं भी आए थे, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान गादीपति, वो भी चल के आ रहे हैं किनके चरणों में? महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में। तो कहते हैं ये दिल में शक आमी का दीदार होवे बेशक, घर से आते हैं तो शंका ही लेके आते हैं भी पूर्ण भ्रम थोड़ी आ गए यहाँ। अरे निष्कलंक बुद्ध अवतार कहते हैं, वो निष्कलंक बुद्ध अवतार है, कोई कहते हैं कि उनके अंदर जाके दर्शन करते हैं तो श्री कृष्ण जी का दर्शन होता है, कोई कहता है उनके अंदर दर्शन करते हैं, जो भी आते अपने धर्मों वाले उन सबको अपने अपने दर्शन होते हैं, तो लोग शंका लेके आते हैं, पर जब प्राणनाथ जी का दर्शन करते हैं तो लालदास जी महाराज कहते हैं कर दीदार होवे बेशक। प्राणनाथ जी ने कहा नहीं मेरा तो कोने ही को आकार, भाई जब तक बाहर रहोगे तब तक मेरी निंदा करोगे, अरे मेरे सामने आके करो कोई निंदा। जिसने चर्चा महामती की नहीं सुनी वो बाहर रह के निंदा कर सकता है, लेकिन जो एक बार आ गया श्री जी की नजरों में और सामने आके बैठ गया और जिसने चर्चा सुन ली, एक तो वो चर्चा के बिना रह नहीं सकता और दूसरा वो श्री जी की निंदा सुन नहीं सकता, क्योंकि इतनी रस भरी चर्चा श्री जी करते हैं और जिनके ऊपर श्री जी की नजरें पड़ जाती हैं, आप विचार कीजिए जब पांचों शक्तियां प्रत्यक्ष रूप में बैठी है, जिस स्थल को देहुरी कह दिया, मंदिर कह दिया, जिस मंदिर के अंदर साक्षात अक्षरातीत विराजमान है, ऐसे स्वरूप का दर्शन करके दीदार करके जो नूर से रोम रोम ओत प्रोत है श्री जी का, हर अंग अंग में से लाइटें निकल रही हैं, उनके नेत्रों में से उनकी रस भरी रसना से जब वो रसपान कराते हैं तो सुंदर साथ आनंदित हो जाते हैं। ऐसे श्री साहिब जी की चर्चा सुनने के लिए इस समय कौन आए हैं? भीम भट्ट और श्याम भट्ट, ये वेदांति थे, बस इनके एक शंभुनाथ सन्यासी से इन्हों मंत्र लिया हुआ था और एक वेदांत पक्ष की ही ये चर्चा करते थे आपस में बैठ के। तो कहते हैं ये दोनों जने
जब आई है शिव जी के चरणों में तो कहते हैं उनो पक वेदांता तिर गुरु सन्यासी शंभु नाथ ताए वस्तो गुसरा नहीं इन चर्चा लगे साथ जो खोज करे आत्म की ताए दिल में ना होवे विकार सब आत्म देखी यही करे करार। महामती प्राणनाथ जी ने कहा जब चर्चा के अंदर कोई अपनी आत्मा की खोज के लिए आता है तो वो चर्चा करने वाले के अंदर अवगुण कभी नहीं देखता, ये उसकी निशानी है। और जो आया है गलतियां निकालने के लिए, जो आया है अवगुण देखने के लिए, तो उसकी आत्मा कभी भी जागृत नहीं हो सकती। तो कहते सब आत्म देखी यही करे करार, उन अपनी आत्म दृष्टि से वो ब्रह्म ज्ञान का रसपान कर रहे हैं। ए लगे चर्चा समझने इस सर्वदेशी चर्चा होए ताको सुन के अचरज पावत है सब गोए। महामती प्रेरणा जी सर्वदेशी चर्चा कर रहे हैं, कभी गीता पे प्रवचन कर देते हैं, कभी भागवत पे कर देते हैं, कभी रामायण पे कर देते हैं, कभी गुरु ग्रंथ साहब पे कर देते हैं, हैं? क्योंकि सारी साक्षियां लेते जा रही है, हर साक्षी के अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी में गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं नानक धन सुहागनिया जिंदा साहब दे नाल प्यार। गुरु नानक देव जी कह रहे कि धन्य धन्य वो सुहागिन आत्माएं इस संसार में आएंगी एक साहब से प्यार करेंगी, साहब के अलावा वो किसी से प्यार करेगी नहीं है? हर शास्त्रों के अंदर तो अपनी निशानियां और उनको शिव जी खोलते हैं बैठ के, तो जो भी चर्चा सुनने के लिए आता है उसे समझ ही नहीं आता ये किसको मानते हैं, क्योंकि जो आता है उसको अपनी खुराक मिल जाती है। एक पूर्ण ब्रह्म अष्टातीत के लिए श्रीजी साहब जी चर्चा सुना रहे हैं वेदांत की चर्चा मैं तो जानत सब ये चर्चा तीन ऊपर और ना कोई मतलब। जो भीम भट्ट और श्याम भट्ट जी है ना वो वेदांत के बारे में तो जर्रा जर्रा जानते हैं और वेदांत का ज्ञान कहाँ तक है निराकार तक वो मानते क्या है सर्व व्यापक मानते हैं परमात्मा को कण कण में मानते हैं। लेकिन श्रीजी साहब जी जो चर्चा सुना रहे हैं वो अक्षर और अक्षरातीत की चर्चा सुना रहे हैं। हद पार बेहद है बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है जागिए इन घर। श्रीजी साहब जी जब ये सुना रहे तो वो कहते हैं एक चर्चा फिर ऊपर और कोई नहीं मतलब, ये तो चर्चा वेदांतों के भी ऊपर से चर्चा आ रही है, जो वेदांत भी नहीं कह रहे श्रीजी तो उस रंगधाम की लीला का उस स्वरूप का उस धाम का वर्णन कर रहे हैं। ए सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार भीम भाई को कहा तुम हो जो खबरदार। श्याम भट्ट जी तो डूब गए चर्चा में और भीम भट्ट को कहते विचार कर ये कहाँ की चर्चा हो रही है और जो कर रहे हैं वो कौन है, क्योंकि सारे शास्त्रों में लिखा था कि वो अपने गुज आप ही खोलेंगे, वो सारे जो गुज बातें सारे शास्त्रों में लिखी थी हर शास्त्र के अंदर लिखा था कि वो खुद आके खोलेंगे, तो आज वो कौन आए बैठे हैं? क्योंकि अश्राफिल की बुद्धि जो है वो महामती प्राणनाथ जी के अंदर मेहंदी के रूप में बैठी है और उस अश्राफिल की बुद्धि के द्वारा ही सारे शास्त्रों को खुलना है और वो श्री जी का इनविद संत हमारी सुधरी प्राणनाथ जी ने कहा अक्षर की बुद्धि ने मुझसे तारतम ले लिया, तारतम लेते ही उसकी जो ताकत थी उसका जो बल था वो इतना बढ़ गया कि वो रंग महल के अंदर की शोभा को भी देखना शुरू कर दिया। आज तक अक्षर क्या नहीं देख रहे थे अक्षरातीत के बहुत सफाई पूरी का आपको आती है अक्षरातीत के प्रेमिशक सौसुदक्षर जो किलिविद के पर आज तो अक्षर भगवान सारा वर्णन कर रहे हैं श्री जी के अंदर बैठ के परम धाम की दसो भोग का परम धाम के 25 पक्षों का क्यों वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि किन के अंदर आके बैठ गए अक्षर श्री इंद्रावती जी की संगत कर ली इनके हृदय में मेहंदी रूप में आके बैठ गए। तो जब सारे शास्त्र हैं तो सारे शास्त्रों के गुज फेर किनके द्वारा जिब्राइल और अश्राफिल अश्राफिल और जिब्राइल भेज दिए दो अमर निगेवानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर, ये दो फरिश्ते
शिव जी के भी अंग संग रहते हैं और परम धाम की आत्माओं के भी अंग संग रहते हैं। जो आत्माएं जागृत हैं उनके सोई हुई आत्माएं जागृत आत्माओं के अंग संग रहते हैं। तो भीम भाई कहते हैं कि भाई श्याम भट्ट कहते हैं कि भीम भाई तुम सावधान होके इनकी चर्चा सुनो। वेदांत की खोज की इनसे न छिपे नहीं सुकन्न तिनको पर बतावत एक कौन रहा रोशन। कहते इनसे तो वेदांत छुपता ही नहीं है, है? और ये सारे वेदों की रचना किसने की? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहाँ बैठी है? श्री जी भी तो अंदर है, कहाँ है? आप हरिद्वार के पुस्तक में देखना, आए चारों संप्रदाय के साधु जन कहाँ आते जाएंगे? आए ब्रह्मा जी पढ़त मुखर वेद चार विष्णु वाणी बोलत जय जयकार। और प्रहना जी जब जयपुर मंच में बैठेंगे तो ब्रह्मा जी, ओ ब्रह्मा जी के वेदांती वाले थे, उन्होंने कहा ये वेदों की चर्चा करके सुनाए। ब्रह्मा जी ने कहा वेदों की चर्चा, मैं तो खुद उनके अंदर जा रहा हूँ। बोलो श्री वेद, वेद तो मैं उनके आगे खोल खोल के रखता जाऊंगा, क्योंकि वो कल्कि अवतार आए और हम वेद बंद करके बैठे, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हमें भी तो इन्होंने अखंड करना है, हम तो सेवा में खड़े हैं। 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव इनकी सेवा में खड़ी है महामती स्वामी श्री। अच्छा तो फिर राजी महाराज का जोश अंदर बैठा है, शास्त्रों की रचना किसने करी? शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साथ नहीं कथा ए दंतनी सप्तवाणी है वा। शास्त्र पुराण वेदांत जो, चाहे वो शास्त्र हो चाहे वो पुराण हो चाहे वो चारों वेद हो, भागवत पूरे साथ भागवत के अंदर सारी जो साक्षियां दी गई हैं, ये सब सुख मोमिन लेनी हर कृष्ण के वेद। ये राजी महाराज ने शास्त्रों की रचना करी तो किसके लिए करी? परम धाम की आत्माओं के लिए। और जब रचना करने वाले अक्षरातीत धाम के धनी है वो आए बैठे हैं तो शास्त्र कैसे छुपेंगे? जिन्होंने खुद रचना की करवाई उनसे, और जिन्होंने खुद करवाई रचना इन शास्त्रों की, तो क्या उनसे श्री जी से ये वेद छुपे हुए हैं या कोई भागवत छुपी हुई है या इनसे कोई शास्त्र छुपा हुआ है? सारा या पुराण एक कागज दो परमान जाके मगन माइने हम पास अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। बोलो प्राणनाथ प्यारेगी। प्राणनाथ जी कहते या पुराण या पुराण, चाहे पुराण वाले मेरे पास आ गए चाहे पुराण वाले आ जाए, एक कागज दो प्रमाण मेरे लिए दोनों श्रेष्ठ हैं, कुरान भी श्रेष्ठ है वेद भी श्रेष्ठ है। या के मगन माइने हम पास, शिव जी ने कहा कि ये सारे गुज अर्थ मेरे पास हैं, अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। वो प्राणों के नाथ अक्षरातीत धामधनी किनके अंदर बैठे हैं? श्री जी साहेब जी। श्री जी साहेब जी साक्षात अक्षरातीत धनी है, पार ब्रह्म है पूर्ण ब्रह्म है, जो इसमें जरा भी संशय लाता है ना वो कभी जग नहीं पाता, उसकी जागनी कभी नहीं हो पाएगी, चाहे वो वर्षों तक अपना जीवन बिताता रहे। जिसने धनी में और राजी महाराज में कोई फर्क समझ लिया, क्योंकि वो खुद आए हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं चल के आऊंगा और अपनी उम्मत को जगाऊंगा। आज उम्मत को जगाने के लिए स्वयं अक्षरातीत पांचों शक्तियां हक की सूरत महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री पांच महामंगलपुरी धाम सूरत की गादी पर अभी विराजमान होने वाले हैं। इससे पहले ही उनके अंदर तो सब कुछ है लेकिन जाहिर होने की एक घड़ी आ रही है। तो इन्होंने कहा क्योंकि इनको पहले पहचान करवा रहे हैं भीम भट्ट और श्याम भट्ट को, क्योंकि अपने लोग कहे ना घर वाले कहे ना कि यही पूर्ण ब्रह्म है यही प्राणनाथ है यही अक्षरातीत है तो दुनिया विश्वास नहीं करती। श्री जी ने क्या लीला क्या की यहाँ पे भीम भट्ट और श्याम भट्ट और गोविंद व्यास वल्लभाचार्य संप्रदाय के गादीपति गोविंद व्यास उनको भी जागृत कर देंगे, वो भी अपनी गादी को छोड़ के अपने शिष्यों को छोड़ के चले आएंगे महामती प्राणनाथ जी के चरणों में। अब यहाँ पे लालदास जी नहीं कहेंगे कि ये पूर्ण ब्रह्म है अक्षरातीत है,
अब कौन कहेंगे यहाँ पे जिनकी अब जागनी हो रही है, किनकी जागनी हो रही है, ताकि सारे प्रणामी आनंद को पता लगे, ये ना पता लगे कि ये साथ साथ थे, इन्होंने पूर्ण ब्रह्म कह दिया, इन्होंने अक्षरातीत कह दिया, इनका दिल किया सो कह दिया, नहीं फिर सूरत में विश्वास कौन करता, सूरत के लोग कैसे मानते महामति प्राणनाथ जी को। इस कारण ये बड़े बड़े वेदांताचार्य जब श्री जी के चरणों में आए तो कहते हैं, उन्होंने कहा वेदांत की खोज की इनसे छिपे नहीं सुकन, वेदांत की खोज जहाँ तक है निराकार तक व्यापक समझते हैं तो इनसे वो भी छिपा हुआ नहीं है। फिर ऊपर बतावत एक और नाम रोशन, ये तो निराकार के पार भी अक्षरधाम, फिर पार के भी पार अक्षरातीत धाम की बातें बता रहे हैं। कहाँ बैठ के ये विचार करते भीम की खुली नजर, एक तो अक्षर पार की नजरों आई फजर, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अगर आज आप जोश में आज भी नहीं बैठे ना तो बड़ा दुख की बात है, आज आपको जब भी जयकारा लगाने का एक मौका महामति प्राणनाथ सेवा का दे दे ना तो इतना इतने जोश में बैठो, क्योंकि वो हमारे बीच में साक्षात विराजमान होके आपको हो सकता है किसी को दीदार भी करवा दें, हो सकता है आज किसकी नजर खुल जाए, हो सकता है भीम की नजर खुली है, भीम के साथ कितनी आत्माएं और जागृत हो जाएं, क्योंकि ये सूरत महामंगलपुरी धाम की धरती जहाँ से कहा मंगलपुरी महिमा बड़ी है सबका गुरुद्वार, चले जगावन साथ को श्री प्राणनाथ भरता, बड़े जोश में है सृजी साहेब जी, आप भी जोश में बैठिए, जागृत होके बैठिए, क्या पता किस रूप पे कैसी नजर दृष्टि डाल दे और कब किस आत्मा पे कैसे प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होके अपने हृदय की दौलत आज बख्शीश कर जाए, तो सावधान होके रहिए। तो कहते अब तक अपने व्यापक समझते थे लेकिन एक दिन अक्षर के पार की लीला बताई अखंड, त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की वोयना लोक ब्रह्मांड, कहते इन्होंने अक्षर के पार अक्षरातीत की अखंड लीला बता रहे हैं और आज तक त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की भी संसार वालों को तो खुशबू तक नहीं है, मतलब पहचान तक नहीं है, लोग तो वैकुंठ तक की पहचान नहीं कर पा रहे, निराकार की पहचान नहीं कर पा रहे और अक्षर अक्षरधाम की पहचान नहीं कर रहे, और ये तो बात शिव जी कहाँ की बता रहे हैं, भीम की नजर खुली जाए पहुंची लीला मो, तब आए कदमों लगा अपने कबीले सो, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भीम भट्ट की नजर खुल गई, जैसे श्री जी ने वर्णन करना शुरू किया तो वर्णन करते करते चर्चा के अंदर अपने आप पहचान हो गई, एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में लेता, तीसरा राम कुल जगत पसारा, चौथा राम जो सबसे न्यारा, श्री जी ने जो सबसे न्यारा वो अक्षरातीत धनी है वहाँ पे सूरत ले गए, किसकी भीम भट्ट की, तो भीम भट्ट को पहचान हुई, पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम, चर्चा का सुख पाए गए रहा मोमिनों के काम, पहले गुरु से तोड़ के पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करके कह आया कि मैं तो निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो गया हूँ, मुझे तो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत और परम धाम की पूर्ण पहचान हो गई है। एक व्यास गोविंद जी रहे वल्लभी मार्ग में, उनने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से, वल्लभाचार्य संप्रदाय के गाड़ीपति हैं गोविंद व्यास जी और उनको श्री जी साहिब जी कभी भागवत की चर्चा कर रहे होंगे, सूरत महामंगलपुरी धाम में कुछ भागवत के रहस्य खोल रहे थे, तो उससे वो गोविंद व्यास जी आए हुए हैं और गोविंद व्यास जी ने जब वो चर्चा को सुना तो उन्होंने कहा मेरे पास तो 40 प्रश्न हैं,
सुबोधनी टीका के अंदर ब्रह्म सृष्टियों के सारे लक्षण लिखे हैं, ब्रह्म सृष्टियों की लीला का वर्णन किया वल्लभाचार्य ने। तो उन्होंने कहा मेरे पास 40 प्रश्न हैं। वो दलाल वल्लभ को कहते हैं गोविंद व्यास जी कि आप ये मेरे प्रश्न श्री प्राणनाथ जी से खुलवा दो। तो दलाल वल्लभ कहते हैं आप साथ चलो, है ना, आप साथ चलोगे, चलो चरणों में चल के प्रणाम करो, उनके चरणों में बैठोगे, बैठ के जब सन्मुख बैठोगे तो क्या पता क्या मेहर कर दे वो। तो कहते हैं इनको कछु न भूलनी 40 प्रश्न तिन में, सो लिख के घर उतारे के लियो चाहिए इनसे। कहते वो प्रश्न नहीं खुलते थे, इन प्रश्नों की चर्चा क्या हुआ, अब गोविंद व्यास जी आ गए हैं कहाँ पे, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, जिस मंदिर का हम दर्शन करते हैं वो शिवजी भाई का घर है, और शिवजी भाई ने अपने घर को मंदिर बना दिया। अब मंदिर में 5,000 सुंदर सात की जमात इकट्ठी होती चली जा रही है। 37 तो पहले थे ही सही, अब जो बाहर के लोग और चर्चा सुनने के लिए आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुंदर सात को आनंद आता है, रस आता है, आत्मा जागृत होती है, पहचान होती है। तो दलाल वल्लभ जी गोविंद व्यास जी जो वल्लभाचार्य संप्रदाय के गादीपति हैं उनको लेके आ गए। और श्री जी साहेब जी का एक नियम था, जो भी कोई गादीपति आता है श्री जी बहुत प्यार करते हैं, ये भीम भट्ट और श्याम भट्ट प्यार के बंधे हुए श्री जी के चरणों में आने लगे। और गोविंद व्यास जी भी देखा कि कितना मान सम्मान और कितना प्यार श्री जी साहेब जी देते हैं, तो ये आज आके बैठे। तो श्री जी साहेब जी से कहा दलाल वल्लभ ने कि 40 प्रश्न है इनके पास भागवत के, वो इनसे खुल नहीं रहे। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में गोविंद व्यास जी ने आके सष्टांग दंडवत प्रणाम जब की, और चरणों में बैठे श्रीजी साहेब जी तखत पर बैठे थे, और प्रणाम करते हुए श्रीजी साहेब जी ने अपना पंजा गोविंद व्यास जी के शीश कमल के ऊपर रख दिया और कहा अब बोलिए गोविंद व्यास जी सारे प्रश्नों के उत्तर, ये सारा समाज बैठा है इसके सामने, आप खोल के इन पर चर्चा कीजिए। तीन प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख, तिनको किसने समझाया तिन पाया बड़ा सुख, बड़ा श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक हस्त कमल रखा शीश कमल पे, उसी समय अंदर असरावीर की बुद्धि प्रवेश कर गई और नजरों से ही उनकी आत्मा को श्री जी साहेब जी ने लाड़ और प्यार से जगा दिया। सो तभी कदमों लगा आया साथ में, तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने तिल से। कहते वो उसी समय गोविंद व्यास जी वल्लभाचार्य संप्रदाय की गादी बहुत बड़ी थी और बहुत बड़ी संख्या में शिष्य हैं वल्लभाचार्य संप्रदाय के, और एक गादीपति अपनी गादी छोड़ के अपने मान प्रतिष्ठा बढ़ाई छोड़ के, और जिसको इतना सम्मान मिलता हो अपने समाज में, उस गादी को छोड़ना आसान नहीं था। पर पहचान हो गई, किसकी पहचान हो गई, पूर्ण ब्रह्म अष्टापी श्री जी के चरणों में जब आए तो पहचान हो गई, और पहचान होते ही अपना शीश कमल रख दिया। कैसे झुके न सर पिया सजदों में आपके, कैसे झुके न सर सजदों में आपके, कैसे झुके न सर पिया सजदों में आपके, कैसे झुके न सर सजदों में आपके, सेठी है झुके
कहते हैं कहना था जो
कहना पाए, आंखों से जो निकलती है किरणें, आंखों से जो निकलती है किरणें, हाय वो सहने के काबिल नहीं है, आंखों से जो निकलती है किरणें, आंखों से जो निकलती है किरणें, हाय वो सहने के काबिल आपके चरणों में बैठे हैं, हमें भी उस प्यार भरी नजर से देख के जगा दीजिए। मुझे बस प्यार से एक बार देखो, मुझे बस प्यार से एक बार तो देखो, मैं खुद को भूल जाना चाहती हूँ, निगाह
खाने वाला पूरा जीवन जिसने उसी में बिताया, श्री जी की एक नजर ने, एक मेहर भरी नजर ने उसको ऐसा पवित्र किया कि किसी ही बैठे जाके घर ना पूरा मनोरथ हुए सब काम। श्रद्धा से, भावना से, विश्वास से जो आकर श्री जी के चरणों में प्रार्थना करती है ना सुंदर सा जी, श्री जी साहिब जी साक्षात विराजमान है डूमर जी के अंदर, प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। उन्होंने कहा एक दृष्टि मेरी धाम में, दूसरी साठ के माँ है, मेरी दो आंखें हैं, एक आंख लगी है परम धाम मोल मिलाने के अंदर और दूसरी आंख मेरी लगी हुई है, आप सभी सुंदर सा मुझे क्या कह रहे हो। कौन सा सुंदर सा दिन में कितनी बार बैठ के मुझे देखता है, मैं सारा दिन देखता हूँ, किसको देखता हूँ, तुम्हारी एक नजर एक बार दिन में मेरी तरफ आती है ना, श्री जी कहते मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। वारी रू तेरी मीठी वल्लभी माया में से तो निकल के मेरे को देखा तो सही है, तू गुम्बड़ जी में मत्था टेकते हुए 15 मिनट जिस दिन लगा देगी ना, उस दिन धनी कहते तू मेरा दीदार कर लेगी, एकाकर चित्त होके तू एक बार मुझे देख, क्योंकि मेरे को तो तेरे अलावा कोई काम ही नहीं है, और काम नहीं अपने पियाजी को लाड करे रूहों से, लाड करे रूहों से, एक लाड उनो ऐसा किया है, भूल ही बैठे उन्हें, भूल ही बैठे उन्हें, हो हुकम जब तक रखे जहां में, हुकम जब तक रखे जहां में, अर्जी करते रहना पिया के सन मुख रहना, धनी के सन मुख रहना, पिया के सन मुख रहना। सुंदर सा जी भीतर के बहाने हाथ जोड़ जोड़ के आपको कह रहे हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। सुंदर सा जी भीतर का बहाना करके आए बैठे हैं और आपकी विनते कर रहे हैं, तार तुम कहे आर्या हजार बार तो को कहूं हारे हा, माया में ना कोई सारे साथ, नाबूद मेरा जिन खारे खा, श्री धाम धनी के गुण गाएगा तो को सब कोई कहेगा वारे वाह। भीतर का तो बहाना है, आए हैं आपको आवाज देने के लिए, आए हैं आपको पहचान कराने के लिए, आए हैं आपसे नजदीकियां बढ़ाने के लिए, आए हैं अपने दिल का प्यार लुटाने के लिए, आए हैं आपको फिर से अपना बनाने के लिए।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। तो एक बहाना है, शिव जी को आपके जिलों में आना है, ये भीतर तो बहाना बना के आए हैं, लेकिन आवाज देने आए हैं कि अब तो आ जाओ, बस करो। इतनी सारी जयपुर में लाडली आत्माएं परम धाम की मोतियों की तरह बिखरी पड़ी हैं, जिनके लिए उनका दिल नहीं लग रहा, हमारा दिल तो सदा सदा लगा हुआ है। एक बार आइए शिव जी के चरणों में, शिव जी जगा देंगे, पहचान करा देंगे। वक्त दीजिए कि आपको वो देख सके, इतनी देर उनके पास बैठिए कि उनकी नजर पड़ सके, उनकी नजर से पड़ जाएगी आपको, जब वो जी भर के देख लेंगे उस दिन आपका रोना जिस दिन ना रुके, समझ लेना शिव जी गले से लगा रहे हैं। जिस रात आपको राज्य की याद आए, जिस रात शिव जी याद आए, और जब रोते रोते आप सो रहे हो, तो समझ लेना कंठ से लगा के सो रहे हैं, तेरे पास है, कहीं दूर नहीं है। ऐसे शिव जी साहब, ऐसे प्राणनाथ धनी हमें मिले हैं सुंदर साहब जी। देखिए बाहर के लोग हैं वो कोई परनामी है जिनको एक पल में जगा दिया, भीम भट्ट को, श्याम भट्ट को, गोविंद व्यास जी को, अरे हमको तो आपके चरणों में आए हुए। एक जमाना बीत गया है, तो अर्जी के अंदर इतनी शक्ति है सुंदर साहब जी, इतनी पावर है, हमारे शिव जी ने तो साइन करके दी है वाणी में, तहकीक अर्ज पहुंचत है जो पहुंचाई हो पाक दिल, साफ दिल से की हुई आपकी हर अर्जी हर प्रार्थना मैं सुनूंगा। और जिस दिन आपने ये अर्जी कर दी कि मेरा दिल नहीं लग रहा आपके बिना, उस दिन क्या आनंद आएगा धनी को, एक बार कह के तो देखिए कि धनी आपके बिना दिल नहीं लग रहा, कह के देखिए उस दिन सिर जी, उनसे कह के देखिए, जी करे कोल बैठी रमा, बैठी बैठी मैं तकदी रमा, गाओ ना ये, गाओ ना, यहां से निकले अंदर से, जिस दिन अंदर से आवाज निकल गई और जिस दिन रूह ने गा दिया, जिसने आत्मा ने गा दिया, जिस दिन आत्मा गाएगी ना उस दिन ना रोटी अच्छी लगती है, ना खाना, ना पीना, ना किसी के पास बैठना, कुछ भी नहीं अच्छा लगता उस दिन। जिस दिन रूह चीख के कह देगी ना, जी करे कौन बैठी रमा, बैठी बैठी मैं तकदी रमा, सोनिया साहेबा, सोनिया साहेबा, मन ले तो मेरा कहना, कहंदे ने लेना तेरे कोल रहना, कहंदे ने लेना दर्शन ना ने पाया ना, चैन दिल नू भी आया ना, दर्शन ना ने पाया ना, चैन दिल नू भी आया ना, सोनिया साहेबा, सोनिया साहेबा, होर की मैं तेनू कहना, कहते नैना तेरे कोल रहना, कहते नैन नैना नु चाहते ने, नैन नैना तो मंगते ने, नैन नैना नु चाहते ने, नैन नैना तो मंगते ने, खुशियां लखां, खुशियां लखां तेरे नाल मिल बैना, कहते नैना तेरे कोल रहना, कहते ऐसी दिल की प्रार्थना जब श्री जी के चरणों में जाएगी ना, तो हम अर्श फर्श है हक के, देखो मोमिनो साहब हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब खुआ, जिसका दिल ना लगता हो ना काजी महाराज के बिना, और जिसका दिल बड़ा कर रहा हो कि मुझे मिलना ही मिलना दरी, जिसकी आत्मा बड़ी तड़प रही हो, वो इस विधक में प्रार्थना कीजिए, आमदनी जाएंगे तो उस रूप को अपनी झलक दिखा के जाएंगे, पर अर्जी करते रहना, हुक्म जब तक रखे जहां में
अर्जी करते रहना, अर्जी करेंगे तो धनी हमारे हमसे दूर नहीं है। और ऐसे श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत धनी, हमें तो कितना नाच होना चाहिए कि वो मेरे प्राणनाथ हैं। आज मोदी का कोई भी रिश्तेदार है तो सोचो उसका सर आसमान पे लगा हुआ है जबकि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और हम परम नाम की लाडली आत्माएं और नूर जमाल अक्षरती की अधमनी, और हमारा सर तो चौथे आसमान पे लगा हुआ होना चाहिए कि मैं तो उसकी अधमनी हूँ, मैं तो उसकी अंगना हूँ और वो मेरा प्रीतम मेरे अंग संग रहता है। हमें वो नाच, हमें वो जोश पर पर चढ़ा रहेगा, पर कब चढ़ेगा? जब वहां से सुरता जुड़ी रहेगी तब जोश चढ़ेगा ना। जब सुरता परिवार में, घर में, संसार में डूबी पड़ी है तो क्या खाक जोश चढ़ेगा? श्री इंद्रावती जी ने कहा, ए देख आए मोहे जोश मेरा कसम नूर जमाल, मुझे देख के जोश आता है कि मेरे प्रीतम तो अक्षरातीत है। जो अक्षर भगवान करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महादेव बनाता है मिटाता है, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश कितने देवी देवता की रचना कर रहे हैं, और ऐसे देवी देवता का ये ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड के अंदर वो अधमनी उतर के आई हुई है। किसकी? अक्षरातीत धनी की, और उनके धनी साथ आए हुए हैं, क्योंकि अकेले नहीं आए। हमको खेल दिखावन कार, हम सो पहले पधारे श्री राज, हमें खेल दिखाने के लिए हमारे प्रीतम हमारे साहिब आए बैठे हैं, पर हमें ऐसे प्रीतम की ऐसे साहिब की पहचान करनी है। बोलो श्री प्राणनाथ तो कहते एक ही निंदा जो करे सो होवे खुआर। अब आए तब पूरा ग्रुप बना के वल्लभाचार्य संप्रदाय वाले लोग आए थे शिवजी साहिब जी से लड़ाई करने, झगड़ा करने, और जब शिवजी का दर्शन पाया, प्राणनाथ जी का विदार किया और प्राणनाथ जी ने मुस्कुराते हुए एक प्यारी सी स्माइल से उनका स्वागत किया और अपनी नजरें उन पर डाली, तो उसी समय वो निंदक कहने लगे, इनकी जो निंदा करेगा ना वो तो जीवन पर्यंत कुवार होगा। बोलो श्री क्योंकि अस्त्रा भी बैठना अंदर और बुद्धि के सामने भी कोई आ गया तो वो बुद्धि को निर्भर कर देता है। कुमति लेके आए थे, सुमति लेके जा रहे हैं। आए क्या करने थे? कहते कोई आवे लड़ने, कोई आवे निंदक, जब पावे निदार तब शुक्र कहवे हक। आए थे निंदा लेके, आए थे लड़ने के लिए, पर शिवजी का दर्शन जब पाया, प्राणनाथ जी साक्षात विराजमान थे, 17 महीने तक रहे हैं सूरत के अंदर, और आके दर्शन करते हैं तो कहते शुक्र पर्वत दीदार का ऐसे स्वरूप का आज दर्शन तो हो गया। क्योंकि शिवजी साहिब जी वाणी में कहते हैं, सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़े हैं तुम, जो किन कानों ना सुनी सो करो दीदार खत्म। जिसको आज तक कानों को में सुनने के लिए ब्रह्म नहीं मिले थे और वो ब्रह्म धरती पे आए हुए हैं, पूर्ण ब्रह्म आए हुए हैं प्राणनाथ बन के, और ये जो निंदक आए होंगे दर्शन करने, ये जब निंदक कह रहे हैं शुक्र है पर्वत विकार का, जो निष्पति जाता है, सरबंदी वाला जाता है, परमधाम की रू जाती है, वो तो नतमस्तक हो जाती है किनके चरणों में? मानक आवे दीदार को सोबत धन भगवान, इनको चर्चा सुनते हो गई सब पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ। एक मानिक भाई है, वो भगवान दास की सोबत से चर्चा सुनने के लिए आए, और चर्चा सुनते ही प्राणनाथ जी के स्वरूप की उनको पहचान हो गई। बिहारी जी इन समय पाती जी भेजे कलाम, 3 बात का संदेश हम किया इस धाम। इस समय गुरु पुत्र बिहारी जी ने एक पत्र लिखा है कि मैंने एक कानून बनाया है और उस कानून का पालन आपको भी करना है। सो तुम कीजियो ए बात बहुत सिरे, ए बात तुम खुद करो तो इस भी आन परे। कहते बड़ी सिरे की बात मैं बता रहा हूँ आपको। कौन कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं, है ना, जागते रहना। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम्य, क्या कहा? ऐसे गुलाब के बाद से वित्त करने के लिए आपको सारी वित्त आती है।
एक तो नीच जात को क्या कहा, तारतम नहीं देना, किसको नहीं देना, मैं जो पहिया बोलती जाऊंगी आप बोलते जाओ, दूसरे राण स्त्री को तीजे कहे हम तुम, तीसरा तीसरा विधवा स्त्री को नहीं देना, और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है आप और हमारे बिना कोई भी तारतम, और अगर ये तीनों नियम लागू हो गए होते तो आज परिणामी सुंदर साहब कितना होता। तो शिव जी ने क्या कहा, एक तीन बात को जरूर कीजो खुद, धर्म को जो देखियो कोई करे ना निंदा कित, बिहारी जी ने लिखा है तीन बात का कानून बना दो और मेरे अनुशासन में रहो, और ये तीनों चीजें आपको करनी है, एक तो नीच जाति को तारतम नहीं देना, दूसरा विधवा स्त्री को तारतम नहीं देना, तीसरा मेरे और आपके बिना कोई भी तारतम नहीं देगा। अगर आप ऐसा करोगे तो हमारा निजानंद संप्रदाय बड़ा उज्जवल कहलाएगा, बड़ा ऊंचा कहलाएगा, कहलाता उज्जवल ऊंचा। एक बार पार्टी की सुन के शिव जी लिखी खबर, तुम बाय दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर, बोलिए श्री जब शिव जी कोई बात किया करे ना आप जोर से जयकारा लगाया करो, क्योंकि शिव जी कहेंगे ये मेरी लाडलियां हैं, मेरी तो आवाज निकलती जाती है और इनकी जय जयकार होने लग जाती है, मैं बोलता जाऊं ये प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि ये कौन बोल रही है, शिव जी साहिब जी। शिव जी साहिब जी ने कहा एक बार पाती की सुन के शिव जी लिखी खबर, तुम बाह्य दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर, क्या लिखा भाई, ये बाह्य की दृष्टि छोड़ो कि हमको विधवा को तारतम नहीं देना, नीच जाति वाले को तारतम नहीं देना, और मेरे और आपके बिना कोई तारतम नहीं दे, तुम अंदर की दृष्टि से देखो, जो आप तीन बात का हम तुम्हें लिखे बनाए, ताको विचार कीजियो शेठ श्री देवचंद्र जी राज चलाए, कहते जवाब तीन बात का, इन तीनों बातों का जवाब शिव जी साक्षी ने लिखा, और गुरुपुत्र बिहारी जी ने लिखा पत्र में, आपको याद है मेहराज जी जब मैं तालाब के किनारे रूठ के चला गया था तो एक प्रॉमिस मैंने ये भी करवाया था आपसे कि आप मेरी हुक्म का करवाया था ना, तो शिव जी ने पत्र में लिखा मैंने ये भी कहा था अगर आपका हुक्म सदगुरुदेव चंद्र जी के अनुसार होगा तो मैं पालन करूंगा, और अगर देव चंद्र जी से बाहर कोई नियम बनाओगे तो उसका पालन मैं नहीं करूंगा। श्री गुरुपुत्र बिहारी जी ने शिव जी साहिब जी पे 14 नियम लागू किए हुए थे, अब वो तोड़ेंगे गादी पर बैठने के बाद, 14 नियम लगाए हुए थे कि आप मीठा नहीं खाओगे, आप देसी घी की कोई चीज नहीं खाओगे, आप जमीन पे सोओगे, आप अतर सेंट खुशबू वाली कोई चीज नहीं लगाओगे, ऐसे 14 नियम बनाए हुए थे गुरुपुत्र बिहारी जी ने शिव जी साहिब जी के लिए, और आपके पास जितना धन दौलत संपत्ति इकट्ठी होगी वो मेरे को भेजोगे, और आप सदगुरु बन के कभी भी नहीं बैठोगे, सदगुरु मुझको ही मानोगे, ठीक है। अब जब अब आ रहा है समय, अब सारे के सारे नियम अब टूटने शुरू होंगे, बोलिए श्री रामनाथ प्यारे की जय। और एक नियम था ये जो राज प्रकाश खटमृति और ये कलश, ये वाणी का पाठ सुंदर साथ के बीच में नहीं किया जाएगा, सुंदर सात वाणी नहीं पढ़ेंगे और ना ही आप वाणी खोल के सुंदर सात को इसका दर्शन दीदार करवाओगे, ये भी नियम बना रखा था। शिव जी ने अब तक वाणी का दर्शन और पाठ नहीं किया, तो सुंदर सात कह रहे थे वाणी का प्रचार प्रसार तो चल ही रहा था, दीपंदर से चल रहा था, लेकिन वाणी का दर्शन सुंदर सात ने नहीं किया, सुंदर सात ने वाणी पढ़नी शुरू नहीं की थी, कब तक नहीं की थी, 1729 तक है ना, 14 में वाणी को उतरती है, ठीक है, तब से लेके ये वाणी गोपनीय है। तो आज क्या कह रहे हैं बिहारी जी, कहते हैं शिव जी साहिब जी ने पत्र में लिखा कि देवचंद्र जी की तरफ देखो, ये जो कानून बनाने का अधिकार होता है ना, जो निजानंद संप्रदाय को चलाते हैं
आचार्य हमारे, उनको अधिकार होता है कानून बनाने का, हमें और आपको नया कानून बनाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने जाति देश को भंडारिया शीश, देखो चित्तरपुर को करी बख्शीश, कहते उन्होंने जाति पाति को सिर तोड़ दिया, जाति पाति का कहने का मतलब जात पात को सिर्जित साहिब जी ने देखा ही नहीं। सो देखो तुम जाए खोजी भाई मुसलमान, और वे स्त्री नान थी बख्शो रही भाई वासना जान। बोलिए श्री प्यारे की जय। क्या कहा सिर्जी साहिब जी ने? खोजी भाई रही भाई की वासना समझ के उसको तारता मंत्र प्रदान किया था। एक तो स्त्री विधवा थी और दूसरी वो स्त्री मुसलमान थी, तो हम सदगुरु देवचंद्र जी का कानून तोड़ तो नहीं सकते ना। सिर जी ने कहा ये मैं तो नहीं बना रहा ना, ये नियम किसने बनाया? चारों वर्णों के अंदर सुंदर साथ उतर के आया है, ना जानो इस झुंड में कौन सुहागिन होए, क्या पता कौन सी सुहागिन किस जाति में उतर के आई है। अगर हम ऐसे जाति पाति का बंधन मान देंगे तो कोई सुहागिन को तारतम कैसे मिलेगा है। और सोए बात तुम देखी है उनकी दृष्टि जात वेश पर नाही, जित देखो अंकुर धाम को गिना ऊंच नीच न ताई। क्या कहा? और सोए बात तुम देखी है, आप ही मंदिर में बैठे थे नौतनपुरी धाम वाले, मैं भी बैठा था जब उन्होंने खोजी भाई को रही भाई की वासना जाने के तारतम दिया था, हम दोनों ने देखा था। इसका मतलब उनकी दृष्टि जाति पाति पे नहीं थी। जित देखो अंकुर धाम को, क्या कह रहे प्राण भाई साहब? कहाँ का पूरी चौपाई बताओ क्या कह रहे? उन्होंने कहा कि आप अंतर की दृष्टि छोड़ के कहा, ये तो बात बड़ी देर हो गई है ना, इस चौपाई को निकले ना, ये तो बहुत देर होगी बात निकली हुई है। अभी क्या कहा है? एक जन आप लो जिसको सही बताओ वो बोलो। जी तंकुर देखा, इससे पहले एक बात बोली, सो एक बात तुम देखी है उनकी दृष्टि जात वेश पर किन की? कौन कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? बिहारी जी को कह रहे हैं कि वो जो कानून बनाने वाले हमारे आचार्य श्री जी थे उनकी दृष्टि जाति पाति पे नहीं थी। वो तो जहाँ परम धाम का अंकुर देखते थे वहीं पे तारतम मंत्र दे देते और उसकी वासना पर देते। और उन्होंने एक कही चौपाई ध्यान से सुनना क्या बोला, और उन्होंने एक कही लीला आई अखंड। क्या कहा? ये अखंड परमधाम से लीला आई है, ये चौथे तरफ ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं है जो हम यहाँ के लोगों की तरह गायत्री मंत्र वो नहीं पढ़ने देते शूद्र वाले लोगों को, यहाँ का नहीं है, ये अखंड परम धाम का परम ज्ञान है। या लीला के प्रताप थे होएगा पक्का परमांड, अरे इस लीला के प्रताप से तो सारे संसार को अखंड होना है। क्या कह रहे जनकेश जी है? हम तारतम ही नहीं देंगे किसी को है, और फिर ये अखंड कैसे होगा? और अगर मैं और आप दोनों तारतम देखते रहे और आप और मैं कब तक रहेंगे? और फिर जारी का काम कौन करेगा? क्योंकि जिस जी को पता है एक दिन बिहारी जी को भी जाना है एक दिन, ये कोई नियम है, ये कोई कानून है। और क्या बना दिया दूसरा कानून? विधवा स्त्री को तारतम नहीं देना। श्री प्रेरणा जी ने कहा एक तो वो यहाँ का पति खो बैठे, यहाँ का उसका कोई सहारा नहीं रहा, जब यहाँ का उसका सहारा नहीं है वो अकेली है तो उसको इतना भी हक नहीं है कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षा की धनी को अपना पति समझ के और उसके सहारे अपनी जिंदगी काट सके, ये भी सहारा हम उससे छीन ले, ये कौन सा कानून होगा भाई है। और दूसरा जाति, और जिसका जन्म नीच जाति में होता है उसकी क्या गलती है? माँ के गर्भ में जो बच्चा आया और आया मुसलमान जाति में है परम धाम की आत्म, तो उसने कहा गलती करी? उसको जन्म देने वाले को कुछ हो ना कि सोच के देना चाहिए था है। तो ये खोजी भाई को कहा जन्म दे दिया, अब देवचंद्र जी उसको नहीं संभालते तो तारतम कहते नहीं देना, जाति पाति देनी है तो वो कहाँ जाती? तो
जाग पा तो चारों वर्णों के अंदर हमारा सुंदर साज उतर के आया है। तो शिव जी ने कहा जितो अंकुर निर्धाम का जो हम तुम वक्त को कारक कहते फिरे जिनको पहुँचे तारतम सोई रोशन करे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्रीजी साहेब जी ने कहा तो हम तुम वस्त्र को ये अखंड वस्तु है परम धाम की तारतम निज नाम तातम जो उद्योत है तिथे कहा होए एक सुपन दूजा वतन जीव देखे धोए कटी तातम की ज्योति उद्योत हो रही है। खेल में बैठी बैठी अपने घर में बैठी बैठी अपने परिवार में बैठी बैठी एक परम धाम की आत्म संसार को देखते हुए भी अपने अष्टातीत प्रीतम का दीदार तातम वाणी के द्वारा यही बैठे बैठे पा सकती है। इतनी शक्ति है तातम का बल कोई न जाने एक जाने मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई लोग ये तारतम अगर हम दोनों पकड़ के बैठे रहेंगे तो ये सारे संसार को अखंड कैसे करेगा। क्योंकि श्री जी का नारा क्या है क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करे अखंड। दुनिया में आने का फायदा ही क्या हुआ अगर मोदी जी या सीएम यहाँ आए और कुछ भी जयपुर के लिए ना करके जाए तो आने का फायदा क्या हुआ है। आएंगे तो बहुत बड़ा सुधार करके जाएंगे बहुत कुछ दे के जाएंगे। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ के राष्ट्रपति यहाँ के सीएम किसी शहर में जाते हैं तो उनको बहुत कुछ दे के जाते हैं और हम तो परम धाम से आए हम दुनिया को क्या दे के जाए। हम जो अनाधिकार से माया के जीव जन्म मरण के चक्कर में भटक रही हैं कैसे भी मुक्ति नहीं पा रहे यहाँ तक कि नाली के कीड़ों को भी महामती प्राणनाथ जी ने कहा मैं तुम्हें भी अखंड करके जाऊंगा। जिनको शुद्ध नहीं है जिनको पता ही नहीं है पर प्राणनाथ जी कहते जिस भारत की धरती पर जिस विश्व ब्रह्मांड में मैं आया उस विश्व ब्रह्मांड को मैं मोक्ष दे के जाऊं और आप तो इतनी छोटी दृष्टि आपकी हो चुकी है मेरे और आपके बिना कोई तारतम अंतर। और मेरे शिव जी ने क्या कहा जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे। ये जागरी का हक हमें महामती प्राणनाथ जी दे के गए हैं हर सुंदर साथ को कि जिसको तातम मंत्र मिल जाए जिसकी आत्मा जागृत हो जाए जिसको पहचान हो जाए अक्षरातीत की। तो श्री जी ने कहा आप कहियो अपने साथ को जो तुम्हें खुले वचन सुध तो नहीं कछु साथ को पर तो भी अपने सज्जन। आप कहियो अपने साथ को जो तुम्हें खुले वचन अगर ये तारतम वाणी ये पीतक ये परम नाम तुम्हारे हृदय में खुल जाए तो सुंदर साथ से जरूर कहना सुध तो नहीं कछु साथ को आपको पहचानेंगे नहीं सुध तो नहीं कछु साथ को पर तो भी अपने सज्जन पर उनको तुम अपना सज्जन समझ के अपना काम करना वो तुम्हारी पहचान नहीं करेंगे क्योंकि उनकी नजर वजूद पर टिकी रहेगी वो वजूद को ही देखते रहेंगे। सिर्फ जिनका मेरे समय भी लिखता जिन देखा मेरे वजूद को सो रहे बीच ना सूत जिन देखा मेरी रूह को सो पहुंचे पक्का बीच लाभूत जिन्होंने मेरी रूह को देखा वो अखंड परम धाम में जग गए। श्री जी ने कहा कहना सुंदर साथ को सुध तो नहीं कछु साथ को पर तो भी अपने सज्जन अपने मित्र हैं। तो शिव जी ने सारे सुंदर साथ को कह दिया जागो अरे जगाओ फुरमान है धनी का सब साथ को जगाना ये काम जागनी का पीछा मुड़ के देखे पीछा न मुड़ के देखे मोमिन की है ये निशानी हाजी के कदमों चलना ये बंदगी। तो सिर्फ जिस एंटी ने कहा जित हो अंकुर में दाम का गिनिए ऊंच नीच ना तित क्या कह रहे जहाँ परम धाम का अंकुर हो वहाँ ऊंची जाती है या नीची जाती है यही देखना
एरा श्री देवचंद्र जी कई आत्म दृष्टि की इस देवचंद्र जी आत्म की दृष्टि से ये रास्ता चला के गए हैं, बाहरी दृष्टि से नहीं। उन्होंने निजानंद संप्रदाय को चलाया, निजानंद संप्रदाय है ही आत्म दृष्टि का। निजानंद संप्रदाय कहता है चिंतन करो रूह के द्वारा, निजानंद संप्रदाय कहता है मानसिक सेवा करो, निजानंद संप्रदाय कहता है कि चित्त को जोड़ो धरी के चरणों में। ये है संप्रदाय किसका? रूहानी संप्रदाय है। आत्मा का काम है सारा का सारा, ना तो शरीर ने पहुंचना है, ना मन चित्त बुद्धि अहंकार ने पहुंचना है। पहुंचना किसने है? आत्म, आत्म द्वारा होए के प्रेम से ध्यान लगाए। ओ दीन भिखारी जी की एक चौपाई है, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की राखो चित में ल्याए, आत्म द्वारा होए के प्रेम से ध्यान लगाए, आत्म दृष्टि तब खुले कृपा धनी की होए, तू कर सेवा धनी की इच्छा ना रख कोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आत्म दृष्टि तब खुले कृपा धनी की होए, तू कर सेवा धनी की इच्छा ना रख कोई। धनी की सेवा करता जा करता जा, कोई इच्छा ना रख। छोटी सी बात बीच में आ गई। एक बार कहीं पे एक राजा ने आना था और राजा के लिए दरबार बड़ा सजाया गया, पूरे शहर को सजाया गया। छोटी सी बात, सारे शहर को सजाया गया। उस शहर का जो जमादार था ना, वो उस गेट पे खड़ा हो गया जाके जहाँ पे प्रधान और राजा साहब ने एंटर होना था, और दुनिया सब लोग दूर दूर खड़े थे। वो जमादार बिल्कुल सेंटर में खड़ा हो गया, जैसे उसी के लिए सजाया हो, बीच में जाके खड़ा हो गया। और वहां पता लगा पुलिस वालों को, और उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़ के मार मार के उसको जंगल में छोड़ा है, और जंगल में अधमरा करके छोड़ा है उसको। एक साधु निकला वहां से, साधु ने पूछा क्या हुआ बेटा, ऐसे कैसे पड़ा है? कहते मैंने कुछ भी नहीं किया तब भी मुझे इतना मारा गया। कहते हुआ क्या है? कहते मेरा ना वो राजा साहब आ रहे थे, उनके साथ ना एक बार हाथ मिलाने को मन था कि उनका हाथ कितना कोमल होता है, कैसा होता होगा। मैंने सिर्फ एक मिनट के लिए हाथ मिलाना था, इसलिए मैं पहले ही खड़ा हो गया गेट में, भाई आते जाएंगे मुझसे हाथ मिला लेंगे, बस मैं चला जाऊंगा। और मेरे को उन्होंने इतना मारा इतना पीटा, मैं तो हाथ ही मिलाना चाहता था, वो तो कुछ नहीं ना। साधु जी ने कहा, महात्मा जी ने, पूरा गले से मिलना चाहते हैं? कहता आप मिला सकते हो? कहते बिल्कुल मिला सकते। कहते अभी बताओ वो भूल गया कितनी मार पड़ी, कैसे पड़ी, कितनी चाहत थी। राजा का हाथ सिर्फ कितना कोमल होता है, कैसा होता होगा राजा का हाथ, है ना, जैसे वो हाथ मिलाता होगा कितना मजा आता होगा, बस और कोई चाहत नहीं थी। वो कहते आप बताओ। तो उन्होंने कहा राजा का महल बन रहा है, जाके ना राजा के महल में तू मजदूर का काम शुरू कर दे, पर जब राजा पे करने लगे ना शाम को तब घर आ जाया कर, बस इतना ही करना। 5 साल तक राजा का महल बनता है, वो रोज मजदूरी का काम करे, और जब उसका मंत्री पैसे बांटने के लिए बैठे तो वो शाम को। अब उसका समय आया उद्घाटन का, गृह प्रवेश करना था, वो समय आया तो राजा साहब ने मंत्री से कहा भी अपना कोई ऐसा मजदूर तो नहीं है ना जिसकी कोई पैसे रह गए हो, किसी की मजदूरी रह गई हो, मैं आज गृह प्रवेश करने जा रहा हूँ भी कोई दुखी ना हो, कोई बद्दुआ ना दे कि हमें पैसे दिए नहीं और बैठ गया अंदर जाके अपने राजमहल में। उन्होंने कहा राजा साहब एक 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 ऐसा था, वो रोज 5 साल सबसे ज्यादा पत्थर उसने उठाए, सबसे ज्यादा इंते उसने उठाई, सबसे ज्यादा काम उसने किया, पर वो शाम के टाइम जब मैं पैसे देता था ना वो कभी नहीं आया पैसे लेने के लिए। और मैंने एक दो बार उसको कहा तू भी तो अपनी मजदूरी ले ले, तो वो कहता है अपना महल बन रहा है, अपने महल में कोई मजदूरी करते है? क्या कह रहे हैं? तो राजा साहब ने कहा बुलाइए उसको। जब मंच लगा, मंच से राजा साहब सबका आभार व्यक्त करने लगे, तो राजा साहब ने उस मजदूर को खुद बुलाया अपने पास। वो बेचारा पुराने कपड़ों में, बेचारा हाल बेहाल,
पांच साल से मजदूरी धूप में गर्मी में करता करता बेचारा हार बेहाल कैसे चढ़े उस लाल लाल कालीन के ऊपर, कैसे चढ़े, राजा का सिंहासन लगा हुआ है कैसे चढ़े। मंत्री साहब ने कहा कि बुला रहे हैं वो जाए ही ना। मंत्री साहब ने कहा डरो मत, राजा साहब बहुत प्यार से बुला रहे हैं। वो डर तो कहते इसी राजा को तो हाथ मिलाया था, इतनी पड़ी थी है, अभी तो वो फूलों का गेट ही सजा हुआ था, ये तो इसका महल सजा हुआ है और पड़ेगी, पहले इतनी मार खा चुका हूँ और डरता जा ही रहा था। पकड़ के उसको मंत्री साहब लेके गए। राजा साहब ने जैसे इसको मंच की सीढ़ियां चढ़ते देखा, राजा साहब ने यूं बाहें फैला ली कि पहले तो मेरे सीने से लग जा आके। वो कहता मैं ऐसा, आपने सोने के वस्त्र आभूषण पहन रखे हैं और मैं ऐसा आपके सीने से लग जाऊं। राजा साहब ने कहा मेरे सीने से लग जा। वो कभी अपने आप को देखे कभी राजा को देखे, लेकिन राजा ने खुद आगे बढ़ के अपनी बाहों में भर लिया उस मजदूर को और बाहों में भर के कहा आज तक मैं सोचता था कि मैं मेरा राज सिंहासन किसको देके जाऊं, पुत्र तो है नहीं मेरा, पर आज मुझे मेरा पुत्र योग्य पुत्र मिल गया जिसका मुझे इंतजार था। आज से मैं अपना राजमहल और अपना राजपाट तेरे हवाले करता हूँ, तेरे को अपना पुत्र बनाता हूँ। वो बाकी मजदूर कहते लो कर लो बात, एक पांच साल पैसे नहीं लिए, ये मिल गया इसको, क्या मिल गया, हम भी ना लेते भला है। वो राजा साहब ने सारी दुनिया के सामने सारी अपनी सत्ता अपना राजमहल अपना सब कुछ इसको दे दिया। तो राजा साहब ने कहा इसने निस्वार्थ भावना से क्या किया, पांच साल तक मेरे महल के लिए अपने आप को कुर्बानी किया। जब यहाँ का राजा ऐसा कर सकता है, हैं? इच्छा ना रख तू कर सेवा धनी की, इच्छा ना रख कोने, अगर हम निस्वार्थ भावना से धनी की सेवा करने लग जाएं और धनी को कहे ना मांगना नहीं और जो नहीं मांगता उसको राज श्यामा जी मिलेंगे, प्राणनाथ जी मिलेंगे, परम धाम मिलेगा और धनी आके एक ना एक दिन तो सीने से लगाए नहीं सही, कब तक सेवा कराएंगे वो अपनी। जब हम निस्वार्थ भावना से उनकी सेवा करेंगे तो ये किसका है, सारी दौलत किसकी है, उस रूपी है जो अपने प्रीतम के लिए, हम पति के लिए भोजन बनाते हैं, हम उनसे मांगते हैं, कपड़े धोते हैं, भोजन बनाते हैं, सारा दिन उनके लिए काम करते हैं, तो कोई इच्छा रख के काम करते हैं, सिर्फ इतने सुनना चाहते हैं कह दे सब्जी बड़ी अच्छी बनी है, इतने सुनना चाहते हैं, कहने की बात भाई तो बहुत टेस्टी बना भोजन, बस इतने मालूम शिवजी साहिब जी कहते हैं कि जब कोई आत्मा इच्छा नहीं रखेगी और धनी का काम करेगी निस्वार्थ भावना से करेगी, धनी का काम फिर निस्वार्थ भावना से, उसको शिवजी कर्ज से नहीं लगाएंगे तो किसको लगाएंगे, बोलिए श्री। तो कहते ए राजश्री देवचंद्र जी हम तुमको तुम आगे दही दिखाए, सोई तुम सब साथ को अब कोई देव बताए। शिवजी साहिब जी ने कहा ये रास्ता हमें सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने दिखाया है, तो ये रास्ता आप सबको दिखा दो। सोई लिखी वेद कते में जहाँ भगत प्रकट होए, जिनकी जात पात न देखिए वैकुंठ वालों की रासोए। और वेदों और कवियों में लिखा है जहाँ भगत प्रकट होते हैं उसकी जाति पाति नहीं देखनी चाहिए, ये तो वैकुंठ वालों का भी रास्ता है। अपने तो कहाँ से आए हैं, परम धाम से आए हैं। तो ये राचल सिंह होए बड़ो प्रकाश, साथ हम तोड़ सिंह ले दिल जाने की आस। तो ये राचल सिंह ऐसे हम चलाएंगे कि जिसको तातम मिले उसको हक को आगे तातम देने का, जो जाग जाए वो दूसरे को जगाए और हम जाति पाति का भेदभाव नहीं करें, ऐसे हम चलाएंगे तो हमारा निजानंद संप्रदाय आगे बढ़ता जाएगा। सात समय उतरियो हो चारों वर्णों माए, ये बंदे बांधने से वो अकार ना आए, क्या कह रहे हैं, चारों वर्णों में सुंदर सात उतर के आए हैं और ये नियम बांध गया,
सुजागनी का काम नहीं हो सकेगा। इन मान की हकीकत लिखा जवाब बिहारी जी ऊपर और भेजी किताब कर्ज की लेने मसंद खबर ऐसा पत्र सिरजी साहिब ने लिख के गुरुपुत्र बिहारी जी के पास भेजा और गांधी का पता किया कि गांधी का कार्य कैसे चल रहे हैं, सुंदर सा नर्तनपुरी में कैसे कैसे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सुन के बिहारी जी ने बड़ा पायो दुख तब ना मान्य कर्ज को देखी पाती तब बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। सिरजी साहिब ने कर्ज ग्रंथ भेजा है और गुरुपुत्र बिहारी जी ने कहा ये कर्ज नहीं है मेरे लिए कलेश है। क्या है? कहते उन लिख भेजी पाती को तुम्हारी राह भई और हमारी भी और है भई जुदाई भी इन थोर। उन्होंने पत्र में लिखा कि आपका रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। हम तो तुमको चीनिया तुम्हारे माए का नाम तुम नहीं हमारे साथ में हम काटे तुम्हें इस दाम का कहना सुंदर सा अपने लिए डरो। बिहारी जी ने लिखा मैंने पहचान लिया आपको कि आप एक कवि हो, कवि के अलावा कुछ नहीं हो, रोज नवी नवी कविता बना बना के किताबें लिखते जा रहे हो और कविताएं लिख लिख के मेरे को भेजते जा रहे हो। तुम्हारे माए कलाम ये सारे वचन तुम्हारे अंदर से ही निकल रहे हैं। तुम नहीं हमारे साथ में हम काटे तुम्हें इस धाम मैंने आज तेरे को भी महाराज निजानंद संप्रदाय से बाहर कर दिया तेरी भी पराकम नहीं बैठी परम धाम के अंदर। इतना बड़ा जख्म कहाँ लगा? पत्र को खोलते गए तो सिरजी साहिब जी के आंसू नहीं रुके। हम जिन साथ को काढ़िया तिनको लिया बीच दिन तो कि तुमको हमारा छूट गया आकीन। क्या कह रहे हैं? हमने जिससे सुंदर साथ को निकाला धाराबाई को रूपाबाई को रामजी भाई को और उनको आपने सुंदर साथ में रख लिया। अब तुम मुझे धामधनी नहीं समझते हो इस वास्ते अब तुमको किए साथ से दूर तुम्हारे हमारे नाता ना रहा जिन पति करो मजदूर। इसलिए आज मैं तेरे को सुंदर साथ में से निकाल रहा हूँ महाराज। आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सुंदर साथ में से मैंने तेरे को दूर कर दिया। इन बात पाती लिखी आई पहुंची सूरत तब सिरजी विचार या ऐसा हुआ सखत बखत। अब अपने को कोई कह निकाल दे मान लो नौतनपुरी से और वहां मंगलपुरी धाम से और करना जी से और जिन सुंदर साल को पूरी पहचान हो उनको पद्मावतीपुरी धाम में निकाला मिल जाए और वो गुम्बर जी बंगला जी का दर्शन ना कर सके आप सोचो वो जिएगा कैसे है। और नौतनपुरी धाम सृजी साहिब जी के जीवन प्राण है। वारने जाऊं मंदराए वल्लभ की जाकी सुख शीतल छाया वन औखदी देख के दूर जाए माया है। वारने जाऊं पाटी परंग के जित बैठो संध्या समय तुम साथ श्री राज संध्या के समय आप इन पेड़ों के नीचे बैठते थे है। और वो नौतनपुरी धाम महामती प्राणनाथ जी का जीवन है। जीवन जीव का जीवन जिसके लिए कहा कि ए धनी साक्षात आप अखंड अक्षरातीत धनी उतर के आए और परम धाम का कुछ रहस्य सारा आपने इन वृक्षों के नीचे बैठ के खोला खिजरा वृक्ष के नीचे है। वारने जाओ बलराए बल्लभ की कहते वारने जाओ उन बलों की कौन से बल खिजरा मंदिर के दो वृक्ष जाकी सुख शीतल छाया जिसकी छाया भी किसी को मिल जाए तो उसको परम धाम की शीतलता मिल जाए है। सिरजी ने कहा है उनका कहना तो माने कि ये वृक्ष क्या है शीतल छाया और क्या है वहां जाके कितना भी कोई रोग हो तो सिरजी कहते जाके प्रणाम करो माया के जितना बड़ा रोग कोई नहीं है। वन औषधि देख के दूर जावे माया उनका दीदार करके माया दूर हो जाए। और आज बिहारी जी ने कह दिया आज के बाद नौतनपुरी धाम में कभी मत आना। और नौतनपुरी धाम कहाँ है? श्री जी के दिल में पता है। ऐसे कहती लीला में सुनोगे कभी कभी सिरजी साहिब जी बंगला जी में बैठ के कहते हैं आज मेरा चर्चा करने को मन नहीं है मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा आज मुझे देवचंद्र जी की लीला सुनाओ नौतनपुरी धाम।
बंगला जी में, जहाँ खिलवत उतर जाएगी, परिक्रमा उतर जाएगी, सागर उतर जाएंगे और श्रृंगार उतर जाएंगे, तब वो वहां बैठ के बंगला जी में कहेंगे कि आज तो देवचंद्र जी की लीला गायन करने को मन है। कैसे 14 वर्ष खोज करी, कैसे तापन को पाया है, तुम बिना इस संसार के अंदर कौन तारतम प्रकट करेगा, तुम्हारे इतनी कसमी कौन करेगा, तुम्हारे जैसी दौलत कौन लेके आएगा, कौन कसमी करेगा। ऐसा श्री पांच पद्मावतीपुरी नौतनपुरी धाम, और जिस नौतनपुरी धाम से श्री जी साहेब जी को हमेशा के लिए निकाल दिया। आप सोचो सूरत में रहे होंगे कितना मन होता होगा नौतनपुर जाने को, 17 महीना रहे हैं, उनको ये थोड़ी पता था कि अब मैं वहां से निकला हूँ और हम अलिया से निकलेंगे तो इसके बाद मैं नौतनपुरी जा ही नहीं सकूंगा कभी। ऐसा पता होता तो पहले नलिया से ही जा रहे आते नौतनपुरी, और क्या पता तभी अहमदाबाद के लिए निकले थे ना, जब जामनगर के कुतुब खान ने चढ़ाई कर दी थी तभी तो वहां मत्था टेक के आए थे चोपड़ा खेड़ा मंदिर में, तभी प्रणाम करके आए थे और प्रणाम करके तब के आए हुए और अब जा ही नहीं सकते, कहां पे निकाल दिया, पूरा जीवन नहीं गए। और प्यार पता कितना करते हैं सज्जी सब्जी बिहारी जी को, लीला तो आगे आएगी, बात तो आगे आएगी। जब गुरु पुत्र बिहारी जी का धाम गमन होगा ना, शिवजी साहब जी बंगला जी में चर्चा कर रहे थे, ये दायां हाथ उनका सो गया, एकदम एक्शन ही नहीं हो सका, क्योंकि चर्चा में हम हर तरह हाथ हिलाते हैं, बात करते हैं, बैठे बैठे शिव जी का ये दायां हाथ सो गया। हंगस महाराज जी दबाने लगे, क्या हो गया? शिव जी कहते आज तो मेरा दायां हाथ ही टूट गया। कहते शिव जी क्या हो गया? कहते मेरा दायां हाथ थे गुरु पुत्र बिहारी जी, हम दो बेटे एक नस्ली और नजरी, दो बेटे आज देव ससर जी का एक बेटा चला। और बाईजूराज महारानी साहिबा ने बंगला जी में बैठ के श्री जी साहेब जी के कहे अनुसार इतने पत्र लिखे हैं, वो पत्र नौतनपुरी धाम में खिड़ा मंदिर में रखे हुए हैं। वो बाईजूराज जी ने पत्र लिखे कि बिहारी जी आ जाओ, यहाँ पे तो परम धाम साक्षात उतरा हुआ है, परिक्रमा उतर आई है, राजश्यामा जी उतर आई है, यहाँ तो अर्श अजीब के जाम पे जाम पिलाए जा रहे हैं, एक जाम पी लो आके, एक बार आ जाओ। बाईजूराज महाराज साहिबा पत्र लिखती रही कि बिहारी जी आ जाओ, लेकिन अपनी अकड़ के अंदर रहे और कभी पद्मावतीपुरी धाम में नहीं आए, ना वाणी का कभी आके दर्शन किया। ये लीला थी, ये रोल किसने दिया इनको? अगर नरसिंह महाराज इतना सख्त रोल नहीं देते और बिहारी जी इतनी सख्ती से नहीं निभाते तो आज प्राणनाथ जी नहीं होते। प्राणनाथ जी को चमकाने वाले, प्राणनाथ जी की जय जयकार करवाने वाले वो कौन है? बिहारी जी। देखो किसी मंदिर में बिहारी जी का जन्मदिन नहीं मनाया जाता, किसी मंदिर में बिहारी जी का जयकारा नहीं लगाया जाता, ना कोई धाम गमन और ना कोई जन्मदिन, और पूरा जीवन मिटाया रतन बाई ने किसके लिए? श्री इंद्रावती जी के लिए रोल निभाया। तो बुरा नहीं कहना गुरु पुत्र बिहारी जी को। तो कहते इन बात पाती लिखी आई पहुंची सूरत, तब से जिन चारिया ऐसा हुआ भगत, ऐसा तो न चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुकन, हमसे तकसीर ना पड़ी एक काम नहीं संयन। सिर्जी साहब जी ने कहा मेरी कोई गलती तो बताओ, ऐसे शब्द लिख दिए मेरे को, मैं तो जितना धन इकट्ठा किया था नलिया में, मैंने कहा था अगर मैं स्वार्थ के लिए दौड़ूंगा तो मेरा कोई भी कार्य सिद्ध ना हो, और अगर मैं निस्वार्थ भावना से जागनी करूं तो मेरा सारा कार्य सिद्ध हो। तो कहते हैं कहिए शिव जी साहेब जी तो इस समय सब साथ में करी के मतलब बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय तुम देख और देखोगे। अब भी भट्ट ने सारे सुंदर साथ को इकट्ठा किया, अलग बैठ के मीटिंग की, और गोविंद व्यास जी बैठे हैं, भीम भट्ट जी बैठे हैं, और भी हमारे लालदास महाराज जी सब सुन, लालदास जी अभी नहीं पहुंचे हैं, अभी वो पहुंचे के बाद में, और भी सारे सुंदर साथ है, गोवर्धन जी हैं। तो इन सब सुंदर साथ ने कहा
कि आप बताओ सुंदर साथ जी, आपको सतगुरु देवचंद्र जी महाराज बिहारी जी के अंदर नजर आते हैं या सिरजी साई जी के अंदर? तो सारे सुंदर साहब ने एक आवाज में कहा कि हमें प्रत्यक्ष दर्शन श्री प्राणनाथ जी के अंदर से निजानंद स्वामी सदगुरु जी का होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो कहते बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय, तुम तोल देखो इत सुंदर साहब को का तोल लो, अपनी रूह की आवाज से बोलो, आत्मा की आवाज से बोलो कि कौन सी गाती उनको देखे गए हैं। जाहिरी गाती उनको देखे गए हैं ना, बातूनी जो खजाना रूपी गाती है वो सिंह जी के पास है। और जिस गाती पर देवचंद्र जी बैठक करते थे वो गाती भी किन के पास है? वो भी सिंह जी साहिब जी के पास है। तो कहिए सिंह जी साहिब जी सो तुम लियो हक से काम, साथ को जमा करना बीच दिन इस्लाम। और सिरजी साहिब जी से कहा सारे सुंदर साथ ने कि निजानंद संप्रदाय की जागरी का काम आप अपने सिर पे लो हैं। और कहते हैं साथ को जमा करना बीच दिन इस्लाम, सारे सुंदर साथ को निजानंद संप्रदाय के अंदर जमा करना है, जागृत करना है। कोई उनसे साथ में लाया नहीं ईमान, चर्चा राज की करके कामना भरी पहचान। सारे सुंदर साथ ने सिरजी साहिब से कहा आज तक कोई एक भी बता दो जिसको गुरु पुत्र बिहारी जी ने वाणी चर्चा सुना के जागृत किया हो, और जिसके अंदर गुरु पुत्र बिहारी जी ने निजानंद संप्रदाय के प्रति प्रेम और विश्वास पैदा किया हो, किसी एक की भी जागरी उन्होंने करी? तो सारे सुंदर साथ ने कहा नहीं, जिनको तुम समझाएंगे भेजा तो उन तरफ स्वीकार पाएंगे पाए आवत सब शक। उल्टा जिसको आप समझा के चाहे राम जी को भेजा और चाहे और सुंदर साथ गए जिनको सिखा के आप उनके चरणों में कंठी लेने के लिए भेजते हो, वो भी उनके विकार लेके वापस आ जाता है। अब राम जी ने क्या सोचा होगा कि गुरु पुत्र बिहारी जी को तो पैसे वाले चाहिए और बिना पैसे वाला तो वहां कोई प्रणाम कर ही नहीं सकता। तो अब तुम क्या देखा तो नजर करो तरफ धाम, ले जो तुम सिर अपने दीन इस्लाम का काम। सारे सुंदर साथ इकट्ठे हो गए, 3700 सुंदर साथ हैं। 3700 सुंदर साथ ने एक ही आवाज में कहा कि सिरजी साहिब जी अब आप क्या देख रहे हो, आप निजानंद संप्रदाय का कार्य अपने हाथ में लो। तो सारे सुंदर साथ के बीच में भीम भाई ने कहा, क्योंकि बाकी सुंदर साथ डरने लग गए कि धारा भाई को गाड़ी में बैठाया था तो उनको निकाल दिया गया था, और सूरजी भाई को कहा था तू रखेगा तो तेरे को भी 12,000 में से निकाल दूंगा। अब इधर भीम भाई कहते हैं ये निकालने का डर मुझे बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे गुरु पुत्र बिहारी जी निकाल देंगे, मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। जिसको डर हो ना वो साइड पे हो जाओ, मैं सामना करूंगा गुरु पुत्र बिहारी जी का, उनको जो कुछ कहना हो वो मुझसे कहे। मैंने साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत को शिवजी साहिब जी के अंदर देखा है, मैं आगा लेता हूँ। और भीम भाई ने सारे सुंदर साथ को कह के और कहते हैं शुक्ल पक्ष अषाढ़ का महीना था, दूज का दिन निश्चित किया कि दूज के दिन हम सारे सुंदर साथ मिलके महामती प्राणनाथ जी को गादी पर विराजमान करेंगे। तो उस समय में सुंदर सिंहासन बनाया गया, सुंदर सिंहासन के ऊपर परम धाम जैसे 5 तकिए लगाए गए, एक गादी 2 चाकले 5 तकिए वही की वही शोभा बनाई गई, और 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर है ये 8 कलश हेम की उतरती कांगरी बिल्कुल उस सिंहासन की तरह। आप ध्यान से सुनिए सुंदर साहब जी, अब लीला प्रत्यक्ष लीला हो रही है, और अब आप थोड़ी सी आंखें इधर उधर करोगे ना ये वो घड़ी आ रही है जब सिरजी साहिब जी बैठने वाले हैं साक्षात अपने चित्त सूरत के अंदर उस 5 महामंगलपुरी धाम की गादी की तरफ जोड़ दो कि कहाँ बैठने वाले हैं। और सुंदर वस्त्र बनवा के तैयार किए जैसे अक्षरातीत के वस्त्र होने चाहिए, भीम भाई ने सुंदर पगड़ी बनवा के तैयार की, सुंदर गाड़ी लगवाई। और ये लीला कब की थी? ये लीला परम धाम से आई। कैसे आई? परम धाम के अंदर पुखराज पर्वत के अंदर एक दिन राजी श्यामा जी और सारी सखियां खेलने के लिए गए, और श्री राजी महाराज ने कहा जो मुझे ढूंढ लेगा ना उसको मैं अपना भेष अपनी शोभा अपना नाम और अपना श्रृंगार सब कुछ उसको दूंगा जो आज मुझे खेल में ढूंढ लेगा खेलते हुए।
तो श्री द्रौपदी जी ने कहा परम धाम में वाला ही पक्की बात करो, फिर नहीं कहना श्री राज जी महाराज आपका नाम, आपकी शोभा, आपका श्रृंगार ये सारे मैं पहन लूंगी, ये इजार, ये जामा, ये मुकुट और प्राणनाथ हम आपको कहते हैं तो प्राणनाथ मैं बनूंगी अगर मैंने आपको ढूंढ लिया। तो बालाजी ने कहा बिल्कुल पक्की बात इंद्रावती, मैं अपना नाम, भेष, शोभा, श्रृंगार सब दूंगा, आज मुझे कोई ढूंढ के दिखा दे, जो सखी ढूंढेगी। तो राजी महाराज छुप गए तो श्री इंद्रावती जी ने बालाजी को पुखराज पर्वत में ढूंढ लिया और ढूंढ के कहती है बालाजी लाओ अब ये सिंहासन। ये सिंहासन किसका बालाजी? बालाजी ने कहा आपका। बोले ये भेष उतारो, ये भेष किसका है? अब ये भेष की मालकिन मैं हूँ क्योंकि मैं शर्त के अनुसार जीत चुकी हूँ, ये भेष भी मेरा, अब नाम भी मेरा प्राणनाथ होना चाहिए और सिंहासन पर मैं बैठूंगी प्राणनाथ बन के। बालाजी बोले इंद्रावती जी रुकिए एक मिनट, मैंने ये सारा किस में दिया है? खेल में, खेलते दिए ना, खेल में दिया ना, जब तुम खेल में जाओगे तो खेल के अंदर मैं ये सारा तुझे दूंगा। बोलिए श्री दूंगा खेल में। तो कहते आज भीम भाई आगे लगे हैं और आगे लग के भीम भाई ने सिंधी साई जी को सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण और बाईजुराज जी को श्यामा जी जैसी साड़ी पहना के, श्रृंगार सजा के और सारा सुंदर साथ सज धज के आया है। किसके लिए? कि आज हमें प्राणनाथ जी को और बाईजुराज जी को गादी पर साक्षात विराजमान करना है। अब सिरजी साहिब जी को जब गादी पर भीम भाई बैठाने लगे तो सिरजी साहिब जी को बात याद आ गई कि मेरे को देव सुंदर जी ने कहा मोए उठाओ तुम बैठो, कि मेरे को यहाँ से उठाओगे जब तुम बैठोगे तुम्हें साक्षात दर्शन होगा। उसके भी दो अर्थ थे कि मुझे संसार से उठा दो और तुम गादी पर। और सिरजी साहिब जी ने देखी गादी लगी हुई तो सिरजी साहिब जी बैठने के लिए तैयार नहीं हुए और इधर भीम भट्ट और सैंतीस और सुंदर साथ जय जयकार के साथ गए कि सिरजी साहिब जी बैठिए। जब सिरजी साहिब जी तैयार नहीं हो रहे थे गादी पे बैठने के लिए तो उस समय में सिरजी साहिब जी के अंदर से साक्षात सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज और श्री कृष्ण उस मंगलपुरी धाम में प्रत्यक्ष दर्शन दिया श्री महाराज जी को। बोलिए श्री प्यारे और प्रत्यक्ष दर्शन हुए और कहा उसी समय एक तरफ से हाथ श्री कृष्ण जी ने पकड़ा, एक तरफ से देवचंद्र जी ने पकड़ा, दोनों स्वरूप श्री पांच महामंगलपुरी धाम के अंदर हाथ पकड़ के शिवजी साहिब जी को गादी पर बैठाते हैं और तातम वाणी में कहा कर पकड़ बैठाएंगे आवेश मोए अंग तीर्थे पसरी दया पल पर चढ़ते रंग। कर पकड़ बैठाएंगे श्री प्राणनाथ जी को गाड़ी पर बैठाने वाले कोई भीम भाई नहीं थे, साक्षात आए सतगुरु देवचंद्र जी महाराज और श्री कृष्ण, उन्होंने हाथ पकड़ के उस गादी को शिवजी साहिब जी को दिया और राजी महाराज ने याद कराया इंद्रावती परम धाम से ये गादी मैंने और यह सिंहासन आपको दिया था, वो समय आ गया, आज मैं अपने हाथों से आपको बैठा रहा हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। अश्री जी ने कंस ग्रंथ में कहा बोझ निज वतन को सो सारो मेरे सिर दियो, नाम शोभा श्रृंगार मैं भेष तुम्हारो लियो। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की। बोझ निज वतन को वो जो परम धाम के अंदर आपने कहा था सारे संसार की आत्माओं को मैं जागृत करूंगा, वो सारा बोझ जागने का आपने मेरे कंधों पे रख दिया। बोझ निज वतन को सो मेरे सिर दियो, नाम क्या? प्राणनाथ, शोभा महावती की हुई पहचान पीयूषो, तब कहो महावती नाम अब मैं हुई जाहिर, देखिया वतन श्री धाम। जैसे ही गादी पर बैठाया परम धाम के 25 पक्षों का साक्षात्कार होने लगा तो कहते हैं वो दिन कौन सा था? अभिजीत मुहूर्त था, अषाढ़ का महीना और शुक्ल पक्ष की दूध का दिन था। और कहते क्या क्या हुआ? श्री पांच महामंगलपुरी धाम की स्थापना होती है और वाणी का प्रचार प्रसार उसी दिन अषाढ़ की दूध से ही वाणी का प्रचार प्रसार जाहिर हुआ
और महामती को साक्षात परमधाम के दर्शन हुए और श्री प्राणनाथ जी का जयकारा उसी दिन गादी पर बैठाते हुए 3700 सुंदर साध ने इकट्ठे लगाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जी का झंडा देश देश लहराएगा। श्री जी का झंडा देश देश लहराएगा। सारा संसार इसी दर पे ही आएगा। सारा संसार इसी दर पे ही आएगा। श्री जी का झंडा देश देश लहराएगा।
साक्षात दर्शन देके बैठाया। आज सतगुरु जी की वो बात पूरी हो गई कि जिस दिन आप धरती पर बैठोगे उस दिन आपको परम धाम का दर्शन होगा, उस दिन आपको हमारा भी साक्षात्कार होगा। तो आज वो साक्षात्कार हुआ तो सब सुंदर साथ ने कहा कि सबसे पहले आरती कौन उतारे, तो पहली आरती श्री भाई जुराज महाराणी साहिबा ने सिरसी साहिब जी की उतारी। और उसके बाद भीम भाई ने कहा कि अब हम जुगल स्वरूप के रूप में आरती उतारेंगे। फिर श्री प्राणनाथ जी को भाई जुराज जी को साथ बैठा के और जुगल जोड़ी की इकट्ठी आरती भीम भाई ने उतारी। और भीम भाई ने जब आरती उतारी तो समस्त सुंदर साध ने मिलके श्री प्राणनाथ जी की आरती उतारी। और आरती उतारने के बाद आज पहली बार जयकारा बोला गया, बोला श्री प्राणनाथ
सुंदर साथ जी, ये है निस्पति सुंदर साथ। हमारे धनी का दर्द होता है तो ये सारे रोते हैं, और हमारे धनी को गाड़ी पर बैठाया गया तो निस्पति सुंदर साथ एक भी बैठ नहीं सका, सब नाचने लगे। यहाँ से पता लगता है कि हमारी निस्पत है महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी से, और वो प्राणनाथ जी हमारे अंग संग है। अभी सभी सुंदर साथ मिलके चौपाई दोहराएंगे, कल और वर्णन करेंगे मंगलपुरी धाम का, विस्तार से वर्णन करेंगे। अभी सभी मिलके चौपाई दोहराएं, बोलो श्री प्राणनाथ की जय। लिया जस अजी